तो भाई लोग KGF चैप्टर 2 तो ब्लॉकबस्टर है और KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने चैप्टर 3 का वादा भी कर दिया है, लेकिन अभी वो सलार मूवी की शूटिंग में लगे हैं जो इस साल बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर बारी आएगी KGF चैप्टर 3 की, जिसकी उम्मीद है कि 2024 तक आ जाए। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि KGF CU बनाएंगे, यानी KGF सिनेमेटिक यूनिवर्स, जिसमें इनकी आने वाली फिल्मों की स्टोरी को मिलाया जाएगा अवेंजर्स की तरह, जिसका कनेक्शन फैंस ने सलार मूवी से निकाल लिया है। अब खैर ये तब आएगी जब आएगी, लेकिन अभी बात करते हैं कुछ डिटेल्स के बारे में जो KGF में आपने नोटिस नहीं करी होंगी और कुछ थ्योरीज के बारे में। तो अगर आपने KGF 2 ध्यान से देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि रॉकी ने KGF में एक बार भी अधीरा का नाम नहीं लिया है। और फैंस का कहना यह भी है कि KGF का फरमान ही सलार हो सकता है, और इस बात में वजन तो है क्योंकि KGF में जो फरमान की माँ है ईश्वरी राव, वही सलार की माँ का रोल अदा कर रही है। और मूवी में फरमान के पास जो लॉकेट है वैसा ही लॉकेट सलार के पास भी दिखलाया गया है। और आपने देखा होगा कि जब रमिका सेन रॉकी को मारने का ऑर्डर देती है तो वो थोड़ी घबराई हुई लगती है, जिससे एक थ्योरी निकल के आती है कि हो सकता है कि इससे पहले रॉकी और रमिका सेन के बीच कोई बात हुई होगी और ये एक फेक अटैक हो दुनिया को दिखाने के लिए कि रॉकी इज डेड, और वहाँ से KGF 3 का रास्ता खुल जाए। ये सारी फैंस में थ्योरियाँ हैं। KGF 2 में जिमी कार्टर का सीन दिखाया गया है, और उस टाइम जिमी कार्टर US का तीसरा आदमी था जिसके नाम पर सबमरीन का नाम पड़ा था। तो इससे एक थ्योरी यह भी सामने आती है कि हो सकता है रॉकी और जिमी के बीच कोई डील हुई हो, वरना रॉकी KGF का सारा सोना लेके समुद्र में क्यों जाता। और मूवी में रॉकी को पूरी तरह मरते नहीं दिखाया गया है, हो सकता है नीचे जिम्मी की सबमरीन हो और रमिका के साथ वैसे ही रॉकी की सेटिंग है तो उसे बचा लिया गया हो। और क्योंकि सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए क्वांटम रडार का यूज होता है, इसलिए सबमरीन रडार में शो ही नहीं हुई होगी। और भाई लोग ये भी हो सकता है कि KGF 3 में रॉकी के इंटरनेशनल कांड के बारे में दिखाया जाए। कुछ थ्योरी ऐसी है कि रॉकी भी कभी समुद्र में गया ही नहीं और रीना कभी मरी ही नहीं। हो सकता है मूवी में दिखाया गया है कि रीना ने एक बहुत बुरा सपना देखा था, हो सकता है ये रीना का एक सपना हो। और हाँ एक चीज और जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी, जैसे कि रॉकी और रीना के बीच जैसे ही सब ठीक हुआ तभी रीना को मार दिया गया, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी पॉसिबल हो सकती है कमेंट में बताएं, और अगर आपको कोई थ्योरी पता हो तो वो कमेंट में बताएं।